संगम नगरी में आज भी राहुल प्रियंका के 11 पीढ़ियों की वंशावली तीर्थ पुरोहित के पास मौजूद है। गांधी परिवार का कई पीढ़ियों से संगम में आगमन होता रहा है। राहुल गांधी के बाबा के पर बाबा भी संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाए थे। राहुल प्रियंका के पूर्वजों का संगम में आने का प्रमाण आज भी तीर्थ पुरोहित पुन्नीलाल पांडा के पोते गोपाल लाल पांडा के पास प्रमाण मौजूद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी अस्थि विसर्जन संगम में हुआ था। गांधी परिवार के 11 पीढ़ियों का लेखा जोखा वंशावली आज भी तिथि के साथ इंगित है। गांधी परिवार के तीर्थ पुरोहित पुन्नीलाल पांडा के पौत्र गोपाल पांडा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर राहुल और प्रियंका 11 पीढ़ियों से चले आ रहे तीर्थ पुरोहित को याद करते हैं तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका को फतेह जरूर मिलेगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में वह जीत कर यूपी की कमान अपने हाथों में लेकर सरकार का नेतृत्व करेंगे। 11 पीढ़ियों से हमारे पास वंशावली है और पुरानी और भी है। एक समाना था कि जब अरबी और फारसी में बही लिखी जाती थी, अब वो सब बहियाँ को ना कोई पढ़ पाता है, कितनी बही खराब हो गई। और जो अब बही हमारे पास है उसमें भी 11 पीढ़ियों से इनका है नाम लिखा। ये लोग ब्राह्मण हैं और सबका है यहाँ पे प्रमाण। अस्थि विसर्जन सब हमारे परिवार वालों ने ही करवाया, चुन्नीलाल महाराज ने करवाया। और ये तो अब भावना लोगों की मानने की है, अब अलग अलग तरीके से सब कहते हैं, लेकिन प्रमाणित तो भाई अगर हमारा प्रमाणित हम से कहेंगे तो हम तो इनको प्रमाणित करते हैं कि ये भाई ब्राह्मण है, हिंदू है, इसका हम प्रमाण दे सकते हैं। अच्छा, मतलब आपकी कितनी पीढ़ियां जो थी जब इनके पीढ़ी से जुड़ी हुई थी, आप कौन से नंबर के पीढ़ी हैं उनके? हम हैं 5वीं नंबर की पीढ़ी। हमारी पीढ़ी में बच्चा लाल हीरा लाल महाराज के पिताजी हमारे जो विद्युत बाबा थे उनके पिताजी बच्चा लाल महाराज के ज़माने से हैं। जब ये मोतीलाल नेहरू के भी पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू आगरा में जब हाई कोर्ट था तो वहाँ वकालत करते थे, तब से हम लोग जानते हैं, उससे पहले से भी है संबंध। अच्छा, आप किसका आप लोगों ने इनके कार्यक्रम कभी पूजा पाठ कराया, कौन कौन आया था अभी आपके जानकारी में? अस्थि विसर्जन में अभी कोई ऐसा हुआ नहीं, वो राजू गांधी के बाद अभी ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं। प्रियंका गांधी अगले साल माघ मेले में आई थी। कोशिश हुआ मुलाकात की, उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन स्थिति ऐसी फंस गई कि मुलाकात हो नहीं पाई। अच्छा, अपने तीर्थ पुरोहित को जो नई पीढ़ी है वो याद करती है ना, जिसे पहले नेहरू जी याद करते थे जब संगम। नेहरू जी इंदिरा जी तो भाई मानते थे, जवाहर चुन्नीलाल महाराज को प्रयागराज आते थे तो आनंद भवन का से उनका पास बना था VIP, वो पास भी आज हमारे पास है। उनको दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का पास उनके पास था, वो जब भी मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से तो उस पास के माध्यम से वो मिल लेते थे। अब आज की थोड़ी सी पीढ़ी वास्तव में सब जान रहे हैं क्या स्थिति चल रही है, मतलब भूल गए अपने तीर्थ पुरोहित। हाँ, कुछ हमको आभास ऐसा लगता है। अच्छा, कि अब वो प्यार वो अपनत्व तो नहीं रह गया है, तो इसी का थोड़ा बहुत खामियाजा सरकार कांग्रेस पार्टी भी झेल रही है। इनको अपने पुराने लोगों से संबंध बना के रखना चाहिए, जो इनके बाप दादाओं ने जिनसे आशीर्वाद लिया, जिनके माध्यम से सहयोग से ये आगे बढ़े, आज इन लोगों ने उनको थोड़ा सा भुला दिया है। कहीं ना कहीं एक दर्द है, दर्द है, बहुत दर्द है। पीढ़ियों से संबंध जिसका हो और वो संबंध आज भूल जाए तो दर्द होगा। सोनिया गांधी चुन्नीलाल महाराज को शरबत पिलाती थी, एक समय वो था। इनकी शादी में हम आपको आप आर्टिकल दिखाएंगे, जवाहरलाल नेहरू की शादी में हमारे बाबा के पिताजी हीरा लाल महाराज वो चीज़ किए कि हम क्या बताएं, लेकिन अब समय है, भूल गए क्या स्थिति चल रही है कि अब क्या बताया जाए। प्रियंका गांधी इस बार यूपी में पूरे दमखम के साथ लोगों के साथ जुड़ रही हैं, तो आप उनके तीर्थ पुरोहित पंडा हैं, तो क्या मानना है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? नहीं, हम तो चाहेंगे, हम तो भाई पंडा के नाते तो हम चाहते हैं कि उनका बढ़िया हो,
लेकिन अब उनको भी गंगा माई का, प्रयागराज महाराज का, यहाँ के लोगों का थोड़ा सा स्मरण रखना पड़ेगा। एक बार इनकी माता जी सोनिया गांधी आई थी कुंभ में, तब वो मुलाकात हमारे पिताजी श्री मनोहर लाल शर्मा से हुई थी, उनका लेटर है, उन्होंने सिग्नेचर किया था कि हाँ हमारे आप पंडा जी हैं, हम स्वीकार करते हैं और आपसे संपर्क में रहेंगे। लेकिन फिर वो दिल्ली पहुंचने के बाद फिर भूल जाती है। अगले बार जब सोनिया वो करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, अगर आशीर्वाद और याद करेंगी तो पक्का प्रयागराज महाराज उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाएंगे।